हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको हिंदी के क्वेश्चन आंसर करा रहे थे इग्नू के, जो हिंदी भाषा इतिहास और वर्तमान से इसका कोड आपके है BHD106 या फिर EHD06। आप इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ये एक ही है, सेम है। ठीक है, हम इससे पहले 15 चैप्टर तक कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। और आपको जैसे पता ही होगा कि आपकी एग्जाम की डेट आ चुकी है, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। अगर आपने नहीं किया है डाउनलोड, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपने से कोई बच्चे किसी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं इग्नू में, या फिर आपको री रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसकी कल लास्ट डेट है। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो इसकी वेबसाइट पे जाके आप कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 चैप्टर है आपका, संपर्क भाषा हिंदी और हिंदी का अखिल भारतीय स्वरूप। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हम आप आज इसमें करने वाले हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि संपर्क भाषा से क्या तात्पर्य है। ठीक है, संपर्क भाषा से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर आप देखिए, इसका आंसर क्या है। भाषा के संपर्क में संपर्क भाषा का अर्थ होता है जोड़ने वाली भाषा। ठीक है, आप सिंपल से आप याद रखें कि संपर्क का मतलब क्या होता है, एक ऐसी भाषा जो कि लोगों को आपस में जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो संपर्क से मतलब क्या है, अगर आप कुछ लाइनें अगर आप अच्छे समझ लेंगे तो आप खुद ही लिख लेंगे। फिर अगर आप एक दो बार वीडियो को सुन लेते हैं तो आप अच्छे से लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो संपर्क भाषा से जहां भी संपर्क भाषा का मतलब आता है, एक तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि संपर्क भाषा का मतलब क्या है कि जोड़ने वाली भाषा। संपर्क भाषा एक ऐसी भाषा है जो कि लोगों को आपस में जोड़ने का काम करती है। एक ऐसी भाषा जो अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोगों को जोड़ती है। ठीक है, एक ऐसी भाषा है जो अलग अलग जो लोग भाषाओं को बोलते हैं उन्हें भी जोड़ने का काम करती है, ये संपर्क भाषा। उनके बीच संपर्क स्थापित करने का माध्यम बनती है। जब दो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले व्यक्ति आपस में बातचीत करना चाहते हैं, तो उन्हें किसी ऐसी भाषा की जरूरत होती है जिसे वे दोनों समझ सकें। ऐसी भाषा उन दोनों में से किसी एक की भाषा हो सकती है, अथवा कोई तीसरी भाषा भी हो सकती है। कोई भी ऐसी भाषा जो कि दो ऐसे लोग हैं जो अलग अलग भाषाओं को जानते हों, लेकिन एक ऐसी कॉमन भाषा हो जिसे कि वो दोनों समझ सकें, उस भाषा को हम संपर्क की भाषा कह सकते हैं। वो कोई भी भाषा हो सकती है। यह संपर्क केवल बातचीत के स्तर तक ही सीमित ना होकर व्यवहार के सभी क्षेत्रों तक विस्तृत होता है। शिक्षा का क्षेत्र, व्यापार का क्षेत्र। ठीक है, ये आपका शिक्षा का क्षेत्र हो सकता है, व्यापार का क्षेत्र हो सकता है। संपर्क भाषा का अत्यधिक महत्व होता है, जो संपर्क भाषा है इसका काफी महत्व होता है। अगर कोई ऐसी भाषा नहीं होगी जिसे कि दो लोग समझ सकें, बातचीत कर सकें, तो फिर हम अपनी बात एक दूसरे को नहीं बता पाएंगे, नहीं समझा पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो संपर्क की भाषा है इसका अत्यधिक महत्व होता है। राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोगों के बीच संपर्क के लिए एक भाषा का होना आवश्यक है। भारत में अनेक भाषाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। ठीक है, आपको जैसे कि पता भी आपको होगा कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से उत्तर पूर्व तक अनेक भाषाएं और बोलियां बोलने वाले लोग रहते हैं। ये लोग देश के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा शौक के लिए ही नहीं, बल्कि व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक कार्यों के लिए भी करते हैं। अतः ऐसी भाषा की जरूरत स्वाभाविक है। ठीक है, ऐसी भाषा का होना जरूरी है,
क्योंकि अगर ऐसी कोई भाषा नहीं होगी जिसे कि सभी लोग समझ सकें, जिसमें हम अपनी बात को कह सकें और दूसरे की बात को समझ सकें, तो हमें एक दूसरे से कनेक्टिविटी करना मुश्किल हो जाएगा, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए ये संपर्क की भाषा जरूरी है जिसे कि सभी लोग समझ सकें। जिसमें बंगला बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले जो जो बंगाल में रहते हैं वह बंगला बोलते हैं, पंजाब में जो रहते हैं पंजाबी बोलते हैं, गुजराती बोलने वाला, उड़िया या तेलंगु बोलने वाले से विचारों का आदान प्रदान कर सके। ठीक है, अलग अलग जगह, अलग अलग जगह जो अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, उनके बीच भी एक ऐसी भाषा हो जिससे कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें। इस प्रयोग को सिद्ध करने वाली भाषा ही संपर्क भाषा कहलाती है। जो इस तरह की भाषा होती है, जो अलग अलग जगह रहने वाले और अलग अलग भाषाओं का यूज करने वाले लोगों के बीच भी संपर्क का माध्यम बनती है, उसको ही संपर्क की भाषा कहते हैं। भारत जैसे देश जिसमें अनेक भाषा भाषी लोग रहते हैं, संपर्क के लिए एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पूर्व सोवियत संघ में भी अनेक भाषाएं बोली जाती थी, किंतु रूसी वहां की संपर्क भाषा थी। ठीक है, जो पूर्व सोवियत संघ है वहां भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन वहां की जो रूसी भाषा है वो वहां की संपर्क भाषा थी। भारत में प्राचीन युग में संस्कृत संपर्क भाषा की भूमिका निभाती थी। ठीक है, भारत के अंदर पहले जो प्राचीन युग में जो हमारी संस्कृत थी वो संपर्क की भाषा निभाने का काम करती थी। ये संपर्क की भाषा संस्कृत इसकी भूमिका निभाया करती थी, लेकिन धीरे धीरे वह स्थान हिंदी ने ले लिया। अब क्या हो गया है, धीरे धीरे वो स्थान हिंदी ने ले लिया है। कभी कभी एक से अधिक भाषाएं भी संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग में लाने लगे हैं या फिर आने लगे हैं, जो हम एक से ज्यादा भाषाएं भी संपर्क भाषा के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हिंदी को कैसे है? अगर हम कहीं पर भी आप, जहां पर भी आप रहते हैं, वहां की लोकल लैंग्वेज अलग होती है, लेकिन हिंदी ऐसी है भाषा है जिसे कि आप खड़ी बोली कहते हैं, जिसे आप पढ़ने और लिखने में आप जिसका इस्तेमाल करते हैं, उसे सभी लोग समझ सकते हैं। ठीक है, उसका प्रयोग हम संपर्क के रूप में करते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, संपर्क भाषा के आधार को संक्षेप में समझाइए। ठीक है, तो अभी हमने जाना है कि संपर्क भाषा क्या होती है। अब ये यहाँ पर कह रहे हैं किसी इसको आपको आपको इसे संक्षेप में बताना है, समझाना है। संपर्क भाषा का जो संपर्क भाषा है, संपर्क भाषा का संबंध चूंकि समाज के आम व्यक्ति से लेकर विशिष्ट क्षेत्र और कार्यों में लगे व्यक्तियों तक से होता है। ठीक है, जो संपर्क की भाषा है उसका संबंध आम इंसान से भी है, और विशिष्ट क्षेत्र में जो खास क्षेत्रों में जो लोग हैं या फिर कार्यरत हैं उनसे भी है। अतः वही भाषा संपर्क भाषा का आकार कर सकती है। ठीक है, इसीलिए ये जो भाषा है वो संपर्क भाषा का काम कर सकती है, जिसे समझने और बोलने वाले लोग समाज में अधिक से अधिक हों। ठीक है, ऐसी भाषा जिसे ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग बोल सकें, उसे ही हम संपर्क की भाषा कह सकते हैं। लेकिन संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल शुरू करने से पहले भाषा को बोलने समझने वालों की संख्या तय करने के लिए शासकीय तौर पर कोई सर्वेक्षण अथवा आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। ठीक है, ना ही कोई आदेश जारी करने की जरूरत ही पड़ती है। जहां तक जनजीवन में प्रयुक्त संपर्क भाषा का प्रश्न है,
उसे तो किसी देश अथवा राष्ट्र का जन सामान्य ही अपनी जरूरतों के हिसाब से विकसित कर लेता है। जिस भाषा के विषय में वह महसूस कर लेता है कि उसके माध्यम से ज्यादा स्थानों पर ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों से बातचीत करने और अपने काम को संचालित करने में सुविधा रहेगी, उसे ही वह संपर्क भाषा के रूप में अपना लेता है। जब उसकी संपर्क भाषा की जरूरत को में बदलाव आता है, ये थोड़ा सा लाइट हो रहा है, आप समझ लीजिए, मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ, ठीक है। जब उसकी संपर्क की भाषा में, जो संपर्क करने की उसकी भाषा है में बदलाव आता है और अलग और उसे लगता है कि मौजूदा संपर्क भाषा पर्याप्त नहीं और किसी अन्य संपर्क भाषा की जरूरत है, तो वह अपने लिए उपयुक्त भाषा चुन लेता है, ठीक है। जब ऐसा लगता है हमें कि जो भाषा हम यूज कर रहे हैं वो संपर्क के लिए सही नहीं है, तो हम उसकी जगह जो भी हमें ठीक भाषा लगती है, जो भी ऐसी भाषा है जिसे कि वहां के लोग ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, उसे हम संपर्क की भाषा के रूप में चुन लेते हैं। उदाहरण के लिए प्राचीन युग में संस्कृत भाषा संपर्क भाषा थी, ठीक है। पुराने टाइम में प्राचीन युग में जो संस्कृत भाषा थी वो हमारी संपर्क की भाषा थी, लेकिन धीरे धीरे ये स्थान हिंदी ने ले लिया, ठीक है। अब आपको भी पता है कि आप अब संस्कृत कहाँ लोग बोलते हैं, ठीक है, अब सभी लोग हिंदी में ही बातचीत करते हैं इंडिया के अंदर। तो इस प्रकार किसी भाषा को संपर्क भाषा बनने के लिए उसका व्यापक रूप से प्रचलन होना आवश्यक है, ठीक है। तो जो भी भाषा संपर्क की भाषा है उसका व्यापक रूप से उसका प्रचलन होना जरूरी है, वो ज्यादा से ज्यादा जिसे लोग समझते हो और बोलते हो। यह भी आवश्यक है कि वह भाषा जीवन के विविध कार्य क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली भाषा हो, अर्थात विभिन्न प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, व्यापारिक और शिल्पगत, कलापरक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन में उस भाषा का उपयोग होता हो। संपर्क भाषा की जरूरत केवल थोड़ी बहुत औपचारिक बातचीत के लिए ही नहीं पड़ती, बल्कि जिंदगी के अत्यंत आवश्यक कार्यों में भी पड़ती है, इसकी आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए भारत में हमें संपर्क भाषा की जरूरत न केवल एक भाषा भाषी प्रांत से दूसरे भाषा भाषी प्रांत में यात्रा करते समय ही पड़ती है, या हमें रामेश्वर या पुरी के मंदिर में जाकर ही इसका उपयोग करते हैं, बल्कि जिंदगी के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में संपर्क भाषा की जरूरत होती है, ठीक है। संपर्क की भाषा की जरूरत तो हमें अपनी लाइफ में हर जगह पड़ती है, हम चाहे जो कुछ भी करें, ठीक है, कहीं भी जाएं, हमें इसकी आवश्यकता होती है। मसलन व्यापार एवं वाणिज्य चलाने के लिए, प्रशासन कार्य चलाने के लिए, सरकार और जनता के बीच संपर्क के लिए, सेना और परिवहन व्यवस्था के लिए संपर्क भाषा की जरूरत पड़ती है। अखिल भारतीय स्तर पर होने वाले समस्त कार्यों, चाहे वे सैनिकों के प्रशिक्षण और संचालन का कार्य हो अथवा सूचना परक और वैचारिक आदान प्रदान का, संपर्क भाषा की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से वही भाषा संपर्क भाषा बन सकती है जिसे सीखने में लोगों को बहुत कठिनाई ना हो, जिसे हम आसानी से सीख सकें, आसानी से बोल सकें, आसानी से समझ सकें, वही संपर्क की भाषा बन सकती है।
शिक्षा एवं ज्ञान का घनिष्ठ संबंध किसी देश की संपर्क भाषा से होता है। ठीक है, जो हमारी शिक्षा है, ज्ञान है, उसका संबंध भी किसी भी देश की वहां की संपर्क भाषा से होता है। अगर आपको किसी ऐसी भाषा में कोई बात बताई जाए या कोई ज्ञान दिया जाए या कोई शिक्षा दी जाए जिस भाषा को आप समझते ही ना हो, तो आप कैसे सीख पाएंगे। ठीक है, ज्ञान विज्ञान की सामग्री जिस भाषा में उपलब्ध होगी वही भाषा शैक्षिक संपर्क की भाषा बन सकेगी। इसलिए देश की संपर्क भाषा को वहां की शैक्षिक व्यवस्था से जोड़ना नितांत आवश्यक होता है। वहां के विद्यार्थियों की शिक्षा में किसी न किसी बिंदु पर उन्हें संपर्क भाषा सिखाई जाती है, ताकि आगे चलकर भी सहज ही सारे देश के कार्यकलाप से जुड़ सके। दूसरी ओर विभिन्न विषयों तथा अनुशासनों की सामग्री उस भाषा में उपलब्ध कराई जाती है, ताकि भाषाई संपर्क व्यवहारिक जीवन से जुड़ सके। शासन व्यवस्था के संचालन में भी संपर्क भाषा की भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। प्रशासन के कार्य अथवा सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होने वाली भाषा को राजभाषा कहा जाता है, लेकिन यह तय करते समय कि किस भाषा को राजभाषा स्वीकार किया जाए, इस तथ्य पर ध्यान अवश्य दिया जाता है कि वह ऐसी भाषा हो जिसे देश के ज्यादा से ज्यादा लोग समझते हो। इस तथ्य पर मद्देनजर रखते हुए ही भारत में केंद्र सरकार ने राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया है। ठीक है, ये बात आप सभी जानते होंगे कि भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने राजभाषा, जो राजभाषा है उसे हिंदी के रूप में अपनाया है, स्वीकार किया है, और राज्य स्तर पर राजभाषा के रूप में उस क्षेत्र विशेष की भाषा को अपनाने की छूट दी है। ठीक है, जो अलग अलग स्टेट है वहां की जो लोकल लैंग्वेज है उसे भी अपनाने की छूट सरकार ने दी है। इस प्रकार संपर्क भाषा जन सामान्य की जरूरतों की भाषा होती है। शासन तंत्र उसे जन सामान्य की इच्छा के अनुरूप ही ग्रहण अथवा त्याग करता है। ठीक है, जो जो भी वहां के रहने वाले लोग हैं वो उस भाषा को अपनाते हैं या उसका उसको छोड़ते हैं, वहां के लोगों पर या वहां के प्रशासन पर डिपेंड करता है। यदि शासन व्यवस्था चाहे भी, यदि वहां की जो शासन व्यवस्था है वो चाहे भी कि संपर्क भाषा को नियंत्रित नहीं कर सकती। ठीक है, वहां की जो शासन, वहां की जो लोकल लैंग्वेज है उसी वहां की गवर्नमेंट चाहकर भी नियंत्रण उस पर नहीं कर सकती। इसका उदाहरण तमिलनाडु में देखा जा सकता है। ठीक है, इसका उदाहरण जो तमिलनाडु की जो भाषा है वहां देखा जा सकता है। भारत सरकार की भाषा नीति को तमिलनाडु सरकार प्रशासन एवं शिक्षा दोनों, जो वहां की प्रशासन है और शिक्षा दोनों के दोनों पर ही लागू नहीं करती है। ठीक है, ये जो तमिलनाडु की सरकार है, इस पॉइंट का याद रखेंगे कि भारत सरकार की भाषा नीति को तमिलनाडु सरकार प्रशासन एवं शिक्षा दोनों के ही रूप में उसे वहां वो लागू नहीं कर सके या नहीं करती है। वहां के विद्यालयों में हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, जो तमिलनाडु है वहां पर हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहां की जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया है। लेकिन किसी भी तरह से हिंदी का बहिष्कार के बावजूद वहां के लोग संपर्क देश से जुड़ने के लिए या देश से संपर्क बनाए रखने के लिए
हिंदी भाषा के ज्ञान की जरूरत महसूस करते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे लोग सीख लोगों को स्कूल में यूज तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बाकी पूरे देश से संपर्क बनाए रखने के लिए उन्हें भी हिंदी भाषा की आवश्यकता है। वो भी ये महसूस करते हैं कि उन्हें हिंदी भाषा से जुड़ना चाहिए, तभी वो पूरे देश को देश से जुड़ पाएंगे। इसलिए वो हिंदी भाषा का बहिष्कार तो करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मालूम है कि इस भाषा को सीखना उनके लिए कितना जरूरी है। वहां के लोग संपूर्ण देश से जुड़ने के लिए हिंदी भाषा के ज्ञान की जरूरत महसूस करते हैं और विभिन्न संस्थाओं दक्षिण भारत में हिंदी जो वहां की हिंदी बोलना और वो सीखना सीखते हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी विदेशालय आदि के माध्यम से वे हिंदी सीखते हैं। जो अलग अलग संस्थान हैं जो कि हिंदी सिखाते हैं, वहां पर जाके वो इस हिंदी भाषा को सीखते हैं। तो ये आपके आप अच्छे से करने को समझ लेंगे तो आप कैसे भी क्वेश्चन आएगा आप इसे कर पाएंगे। दूसरा आपसे पूछा गया है और आपसे इसे पूछा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन आपका